नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था कि सेकंड डीवी लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आया है तो बम्पर आया है। 991 प्लस जो है वो लोगों का भाग्य खुला है। आप समझ सकते हैं कि इतना नंबर में आपका सेकंड डीवी आया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अफवाहें फैली है कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो वो तो मतलब कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट ना होते हुए भी 900 प्लस लोगों का सिलेक्शन सेकंड डीवी में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंसली वेट करना है, और वेट जैसे ही ओवर होता है तो आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी। हालांकि जिस जोन का मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा, यहाँ पे जो कल रिजल्ट आई है वो थोड़ा सा विवादास्पद है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप जाके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे सर्च करिएगा स्टडी विथ ईआर मनीष, तो वहां पे जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पे तमाम अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कल नोटिस सेकंड डीवी जो आपके आया है दिल्ली की तरफ से, आपको मैं दिखा देता हूं, और उस पर तमाम चीज़ें पे चर्चा करूंगा कि क्या इसमें डिमेरिट है और कैसे सुधार होनी चाहिए। यहां पे देखिएगा, ऑफिस ऑफ चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपके लाजपत नगर न्यू दिल्ली, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। यहां पे आपको यहां पे लिखा गया है कि कब से कब तक आपका जो है वो CBT हुआ, फिर DB हुआ, उसके बाद डेट फॉर एबसेंटी जो है वो, यानी कि बहुत सारे लोग एबसेंट रहे उसके बिहाफ पे, यानी कि जो एबसेंट रहे वहाँ उसके कारण, यहाँ पे UR का 686 और ST का 76, और उसके बाद PWD जो कैंडिडेट है 129 लोगों को बुलाया जा रहा है आपके आपके सेकंड डीवी के लिए। और ये सेकंड डीवी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पे देख लीजिएगा, कब से कब तक है, 8/8/2023 से 9/8/2023 के बीच अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद डिवीजन में होना है सेकंड राउंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप टोटल काउंट कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि 900 प्लस लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। अब चूंकि यहाँ पे विवादास्पद ये है कि कोई बोल रहे हैं कि सर UR का बोल नहीं रहे आपके, इसका मेरे पास ये भी है, जो RTI है वो भी है, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखा देंगे। RTI के माध्यम से भी पता लगाया गया था कि UR में 23 सीटें खाली है, OBC में बहुत सारे सीटें खाली है, EWS में बहुत सारे सीटें खाली है, तो फिर ये आपके UR और ST को ही क्यों बुलाया गया है, बाकी जिनका सीटें खाली है तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया है। तो ये भी मतलब कि हास्यास्पद है और विवादास्पद भी है कि 686 सीट UR में कैसे खाली हो सकते हैं, जबकि RTI में कुछ और ही डेटा शो कर रहा है, 23 या समथिंग ऐसा डेटा शो कर रहा है, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि OBC में सीटें खाली ना गया हो, क्योंकि OBC में सब प्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, और आपके EWS में सब प्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, आपके UR में इतना सीटें खाली जा सकती है ये भी नहीं हो सकता है। तो हो सकता है सीटें खाली जा सकती है, लेकिन ये तो कम से कम सरासर गलत है कि OBC में या EWS वगैरह या SC के सीटें खाली ही नहीं गई होगी। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है। और यहाँ पे नंबर डिक्रीजमेंट की बात करें, चलिए इनका तो कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, सॉरी ये तो आपके मतलब कि न्यू डेटा है, कहने का मतलब SC का, OBC का, EWS का कोई नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जो लोगों हैं उनको बुलाया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पे हम इनके UR की डिक्रीजमेंट की बात करें तो 3.78 अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 4 नंबर डिक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब एक एक पैनल, जब सेकंड पैनल आती है तो आपका 4-4 नंबर या 3.5 ही नंबर मान लेते हैं, तो उस अनुसार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके 6 नंबर कम है तो सेकंड डीवी में हो सकता है, 4 नंबर कम है तो हो सकता है सेकंड डीवी में, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है तो आपका फर्स्ट डीवी में ही सेकंड डीवी में ही क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं, आपको मैं इसका प्रीवियस डेटा भी दिखा देता हूँ कि प्रीवियस देखिएगा, यहाँ पे आपका जो UR में है कट ऑफ जो अभी दिखाया है वो कितना है, UR में आपका 71.28 है, और पिछला जो डेटा यानी कि फर्स्ट डीवी का जो डेटा है वो आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे देखिएगा 75.078 है यहां पे, ठीक है। और OBC का तो यही रह गया, AC का वही रह गया, ST का घटा है, EWS का वही रह गया। तो कम से कम ये समझ से परे है कि इन लोगों का क्या गलती है,
कि इसका जो कैंडिडेट है वो नहीं बुलाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे ने कुछ ब्लंडर अगर किया है तो उनको जरूर ही मतलब कि सुधारे और जल्द ही इस नोटिस को लेके फ्रेश नोटिस जारी करे सेकंड डिवी का। मैं आपको अब्सेंटी का भी दिखा देता हूं कि कितने कितने लोग अब्सेंट हुए थे। देखिएगा यहाँ पे ये आपके है, देखिएगा रेलवे बोर्ड को लगाया गया था, इसी रेलवे बोर्ड के ये वाला डेटा है। देखिएगा यहाँ पे जो अब्सेंटी हैं वो कितने कितने कैंडिडेट हैं। इन फर्स्ट डीबी आउट ऑफ 382 अब्सेंट कैंडिडेट हाउ मैनी वेयर अब्सेंट इन ईच कैटेगरी। पहले डेटा आया था कि 382 अब्सेंट है और पता नहीं इतना 900 समथिंग कैसे आपके जो है वो सेकेंड डीबी के लिए पैनल जारी कर दिया, लेकिन यहाँ पे आरटीआई में 382 ही बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी वाइज आपके अब्सेंटी का भी दिया गया है कि कौन कौन से लोग में कितना अब्सेंट है। यहाँ पे देखिएगा यूआर में 11, एससी में 45, एसटी में 29, ओबीसी में 142, सबसे ज़्यादा ओबीसी में। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत तरीके से प्रिंट आउट हो गया होगा या गलत तरीके से उन्होंने चीज़ों को मतलब कि कैलकुलेट किया होगा। तो एक बार फिर से आप ऑफिशियली जाके वहाँ पे फिजिकली मिलिए, नहीं तो आप फ़ोन कॉल के थ्रू वहाँ पे कॉल करके बताइए कि सर आरटीआई में तो डेटा ये दिया गया है, जब नोटिस आया है तो इस तरीके से चीज़ों को दिया गया है। तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि रेलवे में अक्सर ऐसा होता रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, उसके बाद जब लोग हल्ला करते हैं तो मॉडिफाई करते हैं। मुझे तो ये पूरा का पूरा गलत ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।